मंदिर ये रम जाए देवी देवरी ये रम जाए मंदिर ये रम जाए देवी देवरी ये रम जाए सब जो देवी भागवत की कथा होने वाली है, उसमें इस देवी के चरित्र को ही विस्तार से बताया जाएगा कि भगवती के आशीर्वाद से ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी शक्ति से संपन्न होते हैं और अपने कर्म को कर पाते हैं। जब जब भी ये सारी जो भागवत की घटनाएं हैं उसके अंदर भगवती का दिव्य आशीर्वाद मिलता है तभी वो कर्म संपूर्ण होता है। तो उस शक्ति के उस चरित्र का गान होगा है, तो जो जो भी उसका लाभ लेना चाहे वहां पर नगाना धाम में नागनेचा में जरूर पधारें। हंस सवारी कर हंस सवारी कर I'm gonna go
की कामर जोड़े दुख देव बजाए चौपट जो सवारी कर जगदम्बा शक्ति रूप बनायो सिंह सवारी कर जगदम्बा शक्ति रूप बनायो शक्ति रूप बनायो गरियम्बा शक्ति रूप बनायो शक्ति रूप बनायो गरियम्बा शक्ति रूप तो वह दस्यु भद्रकाली की उपासना कर रहे थे और बलि देना चाहते थे और नर बलि देना चाहते थे, तो नर बलि के लिए जिसको पकड़ के लाए थे वो भाग गया। तो डाकू ढूंढते ढूंढते तो उन्होंने देखा कि जंगल में बड़ा हष्ट पुष्ट एक आदमी भगवान हनुमान जी की जो वीरासन की मुद्रा है वो बनाए बैठा है। उन्हें लगा कि देवी इसके भोग से तो बड़ी प्रसन्न हो जाएगी, ये तो बड़ी हष्ट पुष्ट बलि है। और जैसे ही वो उसे पकड़ के ले जाते हैं, उसको तैयार करते हैं और जैसे ही बलि के लिए देवी के सामने रखते हैं और देवी देखती है कि ये तो दिव्य आत्मज्ञानी पुरुष है, ऐसे ब्राह्मण को ये मेरे सामने बलि के लिए लाए हैं, और भद्रकाली कुपित होती है और वो जो बलि के लिए हाथ में खड्ग था वही खड्ग वो अपने हाथ में लेती है और सभी दस्युओं का सभी डाकुओं का वो वहीं पर संहार कर देती है और जड़ भरत को आशीर्वाद देती है। पर जड़ भरत तो फिर भी इस बात से किसी भी प्रकार से मोहित और आसक्त नहीं होते, उनके भाव तो वही रहते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे तो भद्रकाली ने दर्शन दे दिए अब तो मैं दिव्यात्मा सिद्धात्मा हो गया हूं, क्योंकि उन्हें तो पता था कि किसी भी प्रकार का मान किसी भी प्रकार की आसक्ति मुझे वापस बांध नहीं दे, इसलिए वो मोह से बंधना नहीं चाहते थे। पर इस प्रकार के व्यवहार से इस जड़ व्यवहार से घर वालों ने भी उनका तिरस्कार कर दिया। तो एक बार रहुगण नाम का राजा उसकी पालकी को कुछ कहार ढोते हुए ले जा रहे थे, तो एक कहार की तबीयत बिगड़ गई तो उन्हें किसी और की आवश्यकता थी, तो देखा कि मार्ग के अंदर ये जड़ भरत जी बैठे हैं, तो देखा कि बड़े हष्टपुष्ट शरीर वाले हैं, उन्होंने पकड़ के लाए कि भाई ये राजा की पालकी है, इसको आप कंधा दीजिए, अपनी सेवा अपना श्रम दीजिए।
तो अब जड़ भरत जी तो चलते तो भी ध्यान रखते कि कहीं मेरा पांव चींटी पे ना पड़ जाए, किसी जानवर पे नहीं पड़ जाए। तो देखते देखते चलते तो बाकियों की जो चाल होती उसको वो बिगाड़ देते, और उसको जैसे ही बिगाड़ते तो वो पालकी डोलती हिलने लगती। तो राजा कहता कि अरे मूर्खो, तुम क्या कर रहे हो, बार बार मेरी पालकी को क्यों हिलाते हो। तो वो कहते हैं कि हम तो ठीक ही चल रहे हैं, पर ये जो नया कार लगाया है इसकी चाल बड़ी खराब है। तो रघुगण बाहर आके पालकी से बाहर आके झांक के देखते हैं, तो देखते हैं बड़ा हष्ट पुष्ट है। तो ऐसे ही विनोद में कहते हैं, तुम तो बड़े दुर्बल लग रहे हो, आज खाना नहीं खाया लगता है, क्या ये भार तुम नहीं सहन कर पा रहे हो। वो तो मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं जड़ भरत जी, पर फिर वापिस जैसे ही पालकी आगे बढ़ती है फिर वो तो अपनी चाल से ही चलते। तो रघुगण को गुस्सा आता है, वो नीचे उतरता है कि क्या तुम दंड प्राप्त करना चाहते हो, क्या मैं तुम्हें दंड दूं तभी तुम मानोगे। तो फिर जड़ भरत जी कहते हैं कि भगवान राजन, मुझे तो किसी भी प्रकार का भार नहीं लगता, और दंड देना है तो आप दे दीजिए, क्योंकि दंड आप किसे देंगे, इस शरीर को या इसकी आत्मा को, क्योंकि ये आत्मा अविनाशी है, उसको आप दंड दे नहीं सकते, न उसे किसी भी प्रकार की चोट लगेगी, न किसी भी प्रकार से उस पर कोई असर होगा। और ये जो भार है ये किस वस्तु का नाम है, ये भार कौन ऊंचा रहा है, मेरा शरीर ऊंचा रहा है या ये आत्मा ऊंचा रही है। तो इस प्रकार के वचनों को सुनकर, क्योंकि वो जो रहुगण है वो भगवान कपिल के आश्रम की ओर जा रहा था उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो उनके चरणों में गिरा के कहीं आप ही तो भगवान कपिल नहीं है जो इस प्रकार का दिव्य ज्ञान मुझे दे रहे हैं। फिर जड़ भरत जी रहुगण को उपदेश देते हैं और दोनों ही इस मोह बंधन से मुक्त होते हैं और उस परम पद को प्राप्त करते हैं। ये रहुगण वही जो मृग शावक था उसने रहुगण के नाम रहुगण के रूप में वापिस जन्म लिया, और भरत जी को भी वापिस अलग अलग जन्म लेते हुए उस परम पद की प्राप्ति हुई। बोलिए भरत महाराज की जय। तो अर्थात मोह भी हमें बांध देता है, इसलिए सजग रहना है, और आसक्ति से रहित जीवन यदि हमारा रहेगा तभी हम उस लक्ष्य की ओर सहजता से पहुंच जाएंगे। तो जीवन में इसी बात की महती आवश्यकता है कि जब वह समय आए तब हमें स्मरण रहे। इसीलिए भगवान की इन कथाओं का श्रवण, उनका कीर्तन, इसीलिए कहा है कि इस काल में तो भगवान का संकीर्तन, इससे बड़ा कोई साधन नहीं है, यही भवसागर को पार कराने वाली नौका है। क्योंकि बार बार संकीर्तन, भजन, कथा, श्रवण से मन के अंदर उसकी छवि धूमिल नहीं होती, क्योंकि बार बार वो कन्हैया हमको आकर्षित कर ही लेगा, भगवान राम हमको आराम अवश्य ही देंगे, बार बार हमको उनके दर्शन होते रहेंगे। इसीलिए बार बार कथाओं का श्रवण, भगवान नाम का संकीर्तन और ज्ञान चर्चा, स्वाध्याय और इन इंद्रियों के विषय से दूरियां, यही हमारे कल्याण का पथिक है। इस प्रकार का ये जड़ भरत का दिव्य चरित्र भागवताचार्य ने हमें बताया है। और आगे, क्योंकि देखिए वराह अवतार हुआ जब तो हिरण्याक्ष का वध हो गया था, पर क्योंकि जय और विजय को मिले हुए श्राप के कारण उन्हें मृत्युलोक में आना पड़ा और असुर बनना पड़ा। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, तो जब हिरण्याक्ष का वध वराह भगवान कर देते हैं तो वह तपस्या के लिए चला जाता है। देखिए है दैत्य,
देखिए दैत्यों ने जितनी तपस्या करी है उतनी तो देवताओं ने भी नहीं करी है, पर फिर भी उन्होंने भगवान से मांगा क्या है, सांसारिक विषय, और भक्तों ने क्या मांगा है, भगवत प्राप्ति। यानी जीवन में हमको भगवान से नहीं चाहना है, भगवान को चाहना है। क्योंकि जब दुर्योधन के पास भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और जब ये पता होता है कि भाई युद्ध तो होना अवश्य संभावी है और ये तो सारा परिवार आपस में एक दूसरे का रिश्तेदार ही था, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई देखो दो प्रस्ताव हैं, एक तरफ तो मैं हूं और वो भी श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो एक तरफ तो मैं हूं जो शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा और एक तरफ मेरी सेना है, दोनों में से तुम्हें क्या चाहिए वो ले लो। दुर्योधन ने कहा कि भाई तुम तो सेना ही दे दो, मेरे पास आओगे खाओगे पियोगे और शस्त्र भी नहीं उठाओगे, तो आप तो सेना इधर दो। और कृष्ण अर्जुन ने तो कहा कि नहीं भगवान हमें तो आप ही चाहिए। तो अर्थात जो भगवान को चाहता है उसे भगवान सब कुछ देते हैं, और जो भगवान से चाहता है वह बंद ही जाता है। तो इसलिए हमें भगवान को चाहना है। तो जब हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए चला गया और अपनी पत्नी को और अपनी माता को बड़ा दिव्य उपदेश देके गया, यही बता के गया कि ये जो मरण हुआ है कोई बात नहीं, वो तो लड़ते लड़ते मरा है, वीर गति को प्राप्त हुआ है, और ये जन्म मरण तो लगा ही रहता है, इससे शोक करने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी ज्ञान की बातें उन्हें बता के गया और तपस्या करने चला गया, ब्रह्मा जी की तपस्या करने चला गया। इसीलिए भागवतकार हमें बार बार सावधान करते हैं कि जिस प्रकार से हम भगवान नाम के संकीर्तन की बात करते हैं, क्योंकि जो इस संसार से जो तारने वाला है, इस कलिकाल के अंदर जो हमारे लिए नौका है वो क्या है, भगवान नाम का संकीर्तन। इसीलिए हर अवस्था में, क्योंकि भागवतकार ये बताते हैं हमें कि जिस प्रकार से एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था और अजामिल वेद अध्ययन किया हुआ, अपना संध्या वंदन नित्य कर्म करने वाला ब्राह्मण था, पर उसके साथ क्या घटा कि एक दिन वह संध्या वंदन पूजा के लिए सामग्री जुटाने उपवन की ओर गया कि वहां से मैं कुछ फल फूल ये सब लेकर आऊं ताकि संध्या पूजन के लिए मुझे काम आए, और वो क्या देखता है कि रास्ते में एक कामासक्त हुए वे मदिरा पीकर एक स्त्री और पुरुष काम क्रीड़ा कर रहे हैं, इस दृश्य को वो देख लेता है। इसीलिए ये भी भागवतकार ने जो जो भी हमें बताया है ये हमारे जीवन के लिए एक सदैव ध्यान रखने योग्य इस प्रकार की बातें बताई है। इसलिए जो मैं कहता हूं कि कथा कभी भी प्राचीन नहीं होती है, यानी कि पाप कर्म को, काम वासनाओं को, विषय वासनाओं को यदि आप देखोगे तो भी आप पर उसका गलत प्रभाव होगा। तो ये भी हमारे लिए संदेश है कि आज के इस युग में हमको और सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल तो इन विषय वासनाओं को देखने के साधन बहुत ज्यादा हो गए। तो इसलिए हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, अब उनके लिए हमें और ज्यादा सजग होना है, क्योंकि जैसे ही हम पाप कर्म को देखते हैं पाप में हमारी वृत्ति होती है। इसीलिए भगवान दर्शन करो तो भगवान का करो, इन हाथों से जो काम करो तो भगवान के पूजन का करो, क्योंकि वही आपको तारने वाले हैं, बाकी सब चीजें तो आपको बांधने वाली है। इसीलिए उसी का दर्शन करो, हमारे बच्चों में वही संस्कार दो कि उन्हें मंदिर लेके जाओ, उन्हें भगवान के दर्शन कराओ, उनको कथाओं में लाओ। ऐसा नहीं है कि अब ये सब रिटायरमेंट हो गया अब कथाओं में चलो ये चलो, नहीं, संस्कार तो हमको बचपन से ही डालने पड़ेंगे।
ताकि उनको रुचि जो है भगवान में हो, ना कि संसार में हो। संसार के कर्म तो करने ही हैं, गीता भी हमको बताती है कि कर्म तो करने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म से ही हमारा जो प्रारब्ध है वो उदय होता है, ये हमारी संस्कृति बताती है। पर वो धर्माचरण में लगेंगे, अच्छी बातों को सुनेंगे, सत्पुरुषों का, विद्वानों का, ब्राह्मणों का, संतों का, ऐसों का सानिध्य अपनी संततियों को दीजिए आप, तो उनमें सद्विचार आएंगे, दुर्विचार से वो बचे रहेंगे। इसलिए बड़े सजग होने की आवश्यकता है। तो अजामिल के साथ भी यही घटा कि कहां तो वो अपने नित्य कर्म के लिए सामग्रियां जुटाने गया, भगवान की पूजन की व्यवस्था करने गया, और उसने इन भोग विलास को देख लिया, और देख लिया तो वो इतना कामांध हो गया कि घर आकर अपनी पत्नी को भी उसने त्याग दिया। धीरे धीरे उस नीच कर्मणी वैश्या के साथ ही रहने लगा। पर आप मानिए कि कृपा भगवान को करनी होती है तो कैसे कर देते हैं, कोई उसके प्रारब्ध कर्म थे तो एक समय ऐसा आया, यू तो सबको पता था, क्योंकि जैसे ही उस कामातुरा के संग वो रहने लगा तो उसकी सारी वृत्तियां भी हीन हो गई, सब प्रकार के कर्मों से वो हीन हो गया, और हर प्रकार के पाप को वो करने लगा, मदिरा पीने लगा, चोरी करने लगा, व्यसन करने लगा, और खूब संतति उसकी होती रही। एक बार गांव में कुछ संत आए हुए थे, तो कुछ गांव में ऐसे लोग होते हैं जिनके मन के भाव बड़े विचित्र होते हैं, तो संतों को जैसे ही देखा तो बड़ा प्रणाम करके आके, अरे अरे संत आप तो पधारे गांव में, हमारे गांव में तो अजामिल जी हैं जो संतों की बड़ी सेवा करते हैं, आप तो उनके घर जाइए, वहां प्रसादी मिलेगी। अब उनका भाव तो ये था कि संत ऐसे दुष्ट के घर जाएंगे तो कुछ न कुछ परेशान होकर आएंगे, उसने तो उनको परेशान करने के भाव से बोल दिया, संत चले गए। पर वो दिन भी क्या था कि अजामिल के मन में भी क्या जचा, और उनकी पत्नी थी तो कि कोई नहीं, महाराज आ ही गए हैं, तो उन्होंने थोड़ी सी ही संतों की सेवा कर ली, और संतों ने भी घर में एक सबसे छोटे बालक को देखा तो कहा इसका नाम क्या है, तो क्या अब आप आए हैं तो आप ही नाम दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम नारायण रख दो। और क्योंकि वो सबसे छोटा पुत्र था 10 नंबर पे, तो बड़ा प्रिय था, तो सदैव वो नारायण नारायण नाम अजामिल की जुबान पे आ गया। और वो नारायण नाम अंत समय जब 88 वर्ष की अवस्था हो गई तो एक दिन यमदूत आ गए और पकड़ लिया कि अब चलो बहुत पाप किए हैं, अब यातनाएं भोगनी है, नरक में ले जाएंगे तेरे को। उसी समय विष्णुदूत आ गए, विष्णुदूतों ने कहा कि तुम्हारा अधिकार नहीं है इस पे, छोड़ दो इसे। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं है, ये इतना पापी है, जीवन भर पाप किया है। कि नहीं, ये तो नारायण का नाम पुकारता रहा। तो यमदूतों ने कहा कि अरे नारायण तो इसका बेटा है, तुम्हारे उस नारायण को नहीं पुकार रहा है। कि कोई बात नहीं, भगवान ने हमें कहा है कि जो मेरा नाम पुकारता है वह फिर मेरा ही गण हो जाता है, मेरा ही प्रिय हो जाता है, तो इसलिए अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो उनको डांट डपट के मार पीट के वहां से भगाते हैं। फिर वो तो धर्मराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा रेजिग्नेशन ले लो, ये क्या चक्कर है, हम तो सारा हिसाब किताब अकाउंट लेके गए, वो इतना पापी, उसको तो नरक में ले जाना था और वहां से मारपीट खा के आ गए। तब बताते हैं कि भाई जो भगवान का केवल नाम ही ले लेता है, चाहे किस भाव से लेता है, कि भगवान का नाम ही हमारे जीवन को तारने वाला है, तो इसीलिए इस प्रभु नाम का संकीर्तन करते हैं। और क्योंकि इस संकीर्तन से, क्योंकि इस संकीर्तन ही इस कलयुग की सर्व सबसे बड़ी औषधि है। राधे गोविंद भजो राधे, भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे, भजो राधे गोविंद, राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे, भजो राधे।
अजामिल को इन दूतों के संवाद से एकदम ज्ञान हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए, और उसके बाद उसमें भगवत भक्ति जागृत होती है और उसके बाद वह भगवान के इस दिव्य भक्ति का सहारा लेता है और अपने जीवन का उद्धार करता है। तो अर्थात भगवान नाम ही तारण करने वाला है। तो इसी प्रकार से जब हिरण्यकशिपु तपस्या करता है और तपस्या करते करते वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके आशीर्वाद मांगता है। देखिए, देवता तप के बाद में आशीर्वाद देने को बंधे हुए हैं, इसलिए उनका वंदन, उनका स्तवन, उनकी भक्ति सदैव हमको किसी भी प्रकार से आशीर्वाद तो प्रदान करेगी ही, क्योंकि ये उनका गुण है, स्वभाव है। तो अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई नहीं, तूने मेरी भक्ति करी है, अब आशीर्वाद मांग, क्योंकि देवता आते हैं तो वो आशीर्वाद देने के लिए बंधे हैं। तब हिरण्यकशिपु कहता है कि मुझे अमृता का आशीर्वाद दो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भैया, डिपार्टमेंट तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं तो ऐसा आशीर्वाद दे नहीं सकता कि तू अमर हो जाए, ये मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। तो फिर कहता है चलो, अब वो कहता है कि कान ऐसे नहीं घुमा के पकड़ना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम को मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं, न किसी शस्त्र से मरूं, न किसी मानव से मरूं, न किसी पशु से मरूं। अब ब्रह्मा जी एक बार हंसते हैं और कहते, भैया तूने तो एक के अंदर कई सारे आशीर्वाद मांग लिए और घुमा फिरा के बाद तो तूने वही मांग ली है, पर कोई नहीं, अब मैं फंस गया हूं तो आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तथास्तु, जो तू चाहता है वैसा आशीर्वाद तुझे मिलेगा।
और अब तो हिरण्यकशिपु तप के बल से भी बलशाली हो गया और आशीर्वाद उसे मिला और भगवान विष्णु से वह परम द्रोह करने लगा। पर उसका पुत्र हुआ प्रहलाद। प्रहलाद जो है परम भगवत भक्त था। उसके मन में तो एक ही लक्ष्य था कि किस प्रकार से भजन के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना। तो भक्ति के जो परम आचार्य है वो हमारे प्रहलाद जी महाराज हैं। भले ही वो असुर कुल में हुए हैं और इसमें भी बात वही लागू है, क्योंकि जब प्रहलाद जी की माता को हिरण्यकश्यपु की तपस्या के बाद वह जब अकेली रह गई तो जैसे ही उन्हें इंद्र ले जाने लगा तब नारद जी पकड़ के ले आए और अपने आश्रम में रखा और यही कहा कि जब तक तुम चाहो मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जब तक उस गर्भ, क्योंकि जब प्रहलाद जी गर्भ में थे कि अब तुम्हारा पति तो तपस्या में गया है, तो जब तक तुम चाहो ये गर्भ तुम्हारे अंदर रह सकता है, यानी कि तुम इच्छा प्रसव का आशीर्वाद उन्होंने दिया कि अब तुम चाहोगे जब तुम्हारे प्रसव होगा। तो इसलिए उन भगवत भक्तों के साथ का संग का असर उस गर्भस्थ शिशु पर हुआ और उनके अंदर भक्ति जागृत हो गई। तो प्रहलाद जी तो परम भक्त थे और सदैव भगवान नाम का संकीर्तन, इसलिए उन्हें भक्ति का परम आचार्य कहते हैं। और वास्तव में प्रहलाद जी थे कौन, जैसा मैंने आपको बताया कि सनकादि कुमारों के श्राप से जय विजय को यहाँ आना पड़ा। तो सनकादि कुमारों ने जब ये देखा कि भगवान ने कहा कि भाई मुझे भी जाना पड़ेगा, तो सनकादि कुमारों ने कहा कि अब हमें भी प्रभु आपके साथ साथ आना पड़ेगा। तो अर्थात ये जो प्रहलाद जी जो हैं, ये सनकादि कुमारों के ही रूप हैं, इसीलिए वो भक्ति के परम आचार्य हैं। तो भले ही वह असुरकुल में हुए पर प्रहलाद जी परम भक्त थे और सदैव, भले ही वो तो माँ के गर्भ से सीखे सिखाए आए थे और सदैव भगवान का कीर्तन भजन करते थे। और हिरण्यकशिपु तो भगवान विष्णु का परम शत्रु, वो उन्हें अपना परम शत्रु मानता था। एक दिन उसने अपने बालक को देखा, प्रहलाद के प्रति प्रेम हुआ, उसे गोदी में बिठाया और उनसे पूछा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मुझे तो केवल भगवान का नाम ही अच्छा लगता है, कि मैं उनका भजन करता रहूं, जीवन के अंदर इससे अच्छी तो कोई वस्तु है ही नहीं, यही तो हमारे परम कल्याण का मार्ग है। और हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है, कहता है कि ये क्या तू मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। फिर उसे समझाते हैं कि कोई नहीं, ये तो बालक है, बाल मन से इसने बोल दिया है, इसको थोड़ा विद्यालय वगैरह में भेजते हैं तो हो सकता है इसके अंदर बुद्धि थोड़ी जागृत होगी, परिवर्तन आ जाएगा। तो संडामर्क को बुलाते हैं, क्योंकि वो राजकीय विद्यालय चलाते थे तो वो वहां पर भेजते हैं पढ़ने के लिए। पर प्रहलाद जी तो जहां भी रहे वहां तो बस उनके मन में तो वही नारायण नारायण नाम। जैसे ही संडामर्क इधर उधर कोई कार्य से जाते, वो तो अपने सारे साथियों को इकट्ठा करते और भगवान के कीर्तन में लगा देते। संडामर्क को जब पता लगा तो बड़ा डांटा उन्होंने और समझाया कि आगे से ये भगवान का कीर्तन नहीं करना है। पर सारे बच्चे भी जैसे प्रहलाद जी, क्योंकि भगवान के नाम में तो इतना रस है, इतना गुण है, तो सब उनसे खींचे चले आते। फिर एक बार निरीक्षण करने के लिए हिरण्यकशिपु आए विद्यालय में और संडामर्क से पूछा कि क्यों आचार्य जी, सही चल रहा है आपका विद्यालय? कि नहीं नहीं बिल्कुल महाराज, आपने चाहा उस प्रकार से ही सारा कोर्स सेट किया हुआ है, धर्म भरम का कोई अंश नहीं है, क्योंकि ये तो राजकीय विद्यालय है, या तो कोई धर्म के बारे में बात हम नहीं पढ़ाते हैं, विष्णु के बारे में तो बताने का सवाल ही नहीं। कि ठीक है, तो फिर प्रहलाद से पूछते हैं कि आपने क्या सीखा? तो वो तो वही बात कि मैंने तो यही सीखा है कि इस जीवन का जो परम ध्येय है वो तो उस विष्णु को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो उसकी प्राप्ति के लिए सदैव उसके भजन में लगे रहना है, अपने चित्त और वृत्तियों को सदैव जो है भगवान की तरफ लगाए रखना है,
और फिर हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आता है और वो उसे मारने का प्रयास करते हैं, उसे अस्त्र के द्वारा मारने का प्रयास करते हैं, पहाड़ों से उसे गिरा देते हैं, उससे भी उस पर कोई असर नहीं होता है। यहां तक कि उनकी बहन जो होलिका है वह उसे अपनी गोद में लेके बैठती है कि कोई नहीं, मुझे तो जो है अग्नि से कोई प्रकार का भय नहीं है और मैं इसे लेकर बैठूंगी तो यह भस्म हो जाएगा। तो आखिर फिर हिरण्यकश्यप उससे पूछता है कि तू मरता क्यों नहीं है। तब प्रहलाद जी उन्हें बताते हैं क्या कि ये जो सत्ता है, ये जो सामर्थ्य है, ये आपके पास नहीं है, ये किसके पास है? ये तो उनके पास है जो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, नियंता है। उनके पास ये ताकत है कि कौन मर सकता है कौन नहीं, बाकी तुम्हारे प्रयास से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो यही बात प्रहलाद जी बताते हैं। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ में लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब है उसके हाथ में। मरने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मरने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। सर्वशक्तिमान उसका जो आश्रय ले लेता है वो अभयता को प्राप्त कर लेता है, उसे फिर किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती, किसी भी प्रकार से मरने, किसी भी प्रकार की इस लौकिक शक्ति उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकती। चाहे आप पर्वतों से गिराओ, चाहे अस्त्र शस्त्रों से काटो, ये अग्नि भी मुझे जला नहीं सकती। इस प्रकार से हिरण्यकशिपु सुनता है तो उसका क्रोध और भी बढ़ जाता है और एक बार अपनी सभा में प्रहलाद से वो पूछता है कि आखिर ये तेरा भगवान रहता कहां। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान तो कण कण में व्याप्त है, जड़ जीव चेतन जगत सकल राममय, यानी कि वो सब में समाये हुए हैं, सबके साथ रहते हैं, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है। इसलिए उनकी जो सत्ता है वो तो सब और है। ये मत समझिए कि इस जल के अंदर वो नहीं है या इस आकाश में वो नहीं है, इस वायु के अंदर, ये प्राण वायु के रूप में भी जो हमें पुष्ट कर रहा है वो भी ईश्वर है, अन्न के द्वारा हमारे शरीर को पुष्ट कर रहा है वो भी ईश्वर का ही आशीर्वाद है। अगर उसकी कृपा नहीं हो तो भोजन भी पच नहीं सकता है, ये शरीर चल नहीं सकता है। इसीलिए जो परम शक्तिमान है, परम जिसकी जो सत्ता चारों ओर छाई हुई है, वो तो मेरे आराध्य श्री विष्णु है, नारायण है। जल थल नभ आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जल थल नभ आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा बिना यहाँ पर नहीं है कोई पत्ता, प्रभु न सके कोई पत्ता, उसी का सौदा यहाँ पे होता, शक्तिमान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है।
कहता है कि क्या इस खंभे में भी तेरा ईश्वर है। नारायण नारायण हो त्यागी दुरा भरे फल की आशा स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो कल क्या होगा इसकी चिंता परम पिता पर जोड़ो मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान श्री नारायण 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 श्री नारायण 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 श्री नारायण 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 श्री नारायण नारायण भगवान वहां नरसिंह रूप में प्रकट हो जाते हैं और बार बार दिव्य दहाड़ गर्जना करने लग जाते हैं। हिरण्यकश्यप उनको देखकर कहता है चापम चापम, वो कहता है मेरा तीर लेके आओ। और वहां पर सैनिक सब कहते हैं न चापम कि इनके हाथ में कोच भी नहीं है तीर नहीं है। और वहां पर भगवान उसे पकड़ते हैं और सीधा उसे लेकर जाते हैं महल के द्वार पर। तो वहां पर हिरण्यकश्यपु हंसता है कि मैं तो न दिन में मरता हूँ न रात में मरता हूँ, न मैं अंदर मरूंगा न बाहर मरूंगा, न आकाश में मरूंगा न पृथ्वी पर मरूंगा, न मैं इन द्वादश मासों में मरूंगा, तो मुझे तुम कैसे मारोगे। तो भगवान हंसते हैं और जोर जोर से दहाड़ लगाते हैं कि ना तो अभी दिन है न रात है, संध्या का समय है और ना ये द्वादश मास नहीं है, ये पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, तो ये द्वादश मास भी नहीं है। और ना तो तू इस पृथ्वी पर है ना तू आकाश पर है, मेरी जंघाओं पर है, उसको अपनी गोदी में लेते हैं। और वो कहता है कि ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना मैं शस्त्र से मरूंगा। तो भगवान कहते हैं मेरे पास ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है, ये देख मेरे नाखून, और अपने नाखून से उसका पेट चीर देते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। और अपने भक्त के लिए भगवान वहां प्रकट होते हैं और उनका वो इतना रुद्रावतार है
सारे देवताओं भी वहां पर घबराने लगते हैं। हिरण्यकशिपु को तो वो वहीं चीर डालते हैं और उसके बाद भी उनके अंदर इतना आवेश होता है, इतना क्रोध होता है कि वह सारे देवता वहां जो उपस्थित होते हैं वह भी घबराने लगते हैं। त्रिलोकी भी कांप उठती है कि आज भगवान में कितना आवेश है और उनकी जीभ लबलबाती है, उनकी गर्जना दहाड़ चलती रहती है और वहां पर सारे देवताओं को लगता है देखिए कि पति को कितना भी क्रोध हो अगर पत्नी सामने आ जाए तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। तो वहां पर सारे देवता जाते हैं लक्ष्मी जी के पास कि हे देवी भगवान आज बड़े आवेश में है, उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा है, आप कृपा करके वहां आइए। तो लक्ष्मी जी भी सज धज के श्रृंगार करके वहां आरती की थाली लेके आती है पर वहां जैसे ही लक्ष्मी जी आती है और भगवान जोर से दहाड़ करते हैं, गर्जना करते हैं और लक्ष्मी जी तो घबराती है और उनकी थाली वहीं गिरती है और वो तो वापस भागती है। अब सारे देवता कहते हैं कि भगवान का ये आवेश क्रोध किस प्रकार शांत करें, तो फिर आखिर वो उस प्रहलाद को ही आगे कर देते हैं और वो प्रहलाद भगवान के सामने खड़ा हो जाता है और उनकी बड़ी सुंदर स्तुति करने लगता है और कहता है कि भगवान आपने सब जगत का कल्याण करने के लिए अवतार लिया है, आप शांत होए, सबको भक्ति का आशीर्वाद प्रदान करें, आपकी भक्ति सबको प्राप्त हो, सबका कल्याण हो, मेरा पिता भी कितना भी पापी हो पर उसको भी आप जो है मुक्ति प्रदान करें, ऐसा परम आशीर्वाद इसे भी प्रदान करें और मुझे भी सदैव आपकी विस्मृति न हो, मैं आपका भगवत भक्त बना रहूं, क्योंकि वैष्णव के मन में तो यही इच्छा रहे कि हमें भगवान की सेवा का, भगवान की पूजा का बार बार अवसर मिलता रहे, उसके गुणों को गाने का अवसर मिलता रहे। तो इस प्रकार से वो सुंदर जब स्तुति करने लगते हैं तो धीरे धीरे भगवान का आवेश शांत होता रहता है और वहां पर फिर सभी देवलोग वहां आते हैं और भगवान की आरती करते हैं। भगवान प्रहलाद जी से पूछते हैं कि सब लोग मुझसे डर रहे थे पर तुझे क्या मुझसे डर नहीं लगा? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि मुझे इतना पता था कि देखिए जिसकी रक्षा करने के लिए, जिसके वचन को सिद्ध करने के लिए आप आए हैं तो उससे तो मुझे भयभीत नहीं होना चाहिए कि मेरे प्रभु आप तो मेरे ही लिए आए हैं, तो मुझे पता है कि मुझे आपसे किसी भी प्रकार का भय नहीं है, तो आपने मुझ पर ही कृपा करी है। फिर भगवान उसे बड़ा प्यार देते हैं, बड़ा दुलार देते हैं और यही कहते हैं जो हमारे नरसिंह भगवान की झांकी है उसकी आरती के लिए भी पधार जाइए कि तुझे मैं क्या आशीर्वाद दूं? तो कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्रेम, आपकी भक्ति वह मुझे प्राप्त हो, ऐसा ही मुझे आप आशीर्वाद प्रदान करते रहिए। इस प्रकार से भगवान नरसिंह का ये दिव्य अवतार हुआ और भक्ति को पुष्ट करने वाले प्रहलाद जी बोलिए प्रहलाद जी महाराज मेरे सिर पर रख दे काना, मेरे सिर पर रख दे काना, अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दे दे जन्म जन्म का साथ, अपना हो तो दे दे जन्म जन्म का साथ, तेरा एहसान होगा बड़ा होगा, तेरा एहसान होगा
मिन्नत क्या मांगे मेरे आगे तो मेरे अपने प्रभु से ध्यान और इज्जत क्या मांगे मेरे जीवन में अब कर दे मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात लिया साथ रहे पर सौ तेरा साथ
सांस रख ले इतनी बार दीजिए जन्म जन्म का एहसान होगा राम एहसान होगा तेरा एहसान होगा बड़ा उपकार होगा को अपने गले लगाते हो सुना हम ही शरणागत को अपने गले लगाते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शगुनाते हो ऐसा हम ही क्या मांगा जो देने से शगुनाते हो दुख मेरा हो यार सुख में चाहे दुख मेरा हो यार सुख में दुख हो Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare
की